सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेकंड डे। तो अब हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो गया है बाली में, तो अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आओ लेके चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट देख सकते हैं आप, कॉफ़ी, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस एंड कॉर्नफ्लेक्स हो गए एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ब्रेकफास्ट एरिया काफ़ी अच्छा है। आज हम थोड़ा लेट आए हैं, 9:30 बज चुके हैं, तो थोड़ा खाली एरिया है, देखते हैं। फेस्टी हूँ भाई निकल गया 12 बजे, तो फेस्टी कितने मिलनी है। सही है, एवरेज है। फ्रूट कितने हैं? फ्रूट लाया था। अंदाज़ लोड़ा कितने के काम है? यार अब दिक्कत पुरानी है। तेरे को निभाया कि या? ना तो ऐसे आता है यार लोड़ यार। लाता हूँ ना। बड़े लोग मैंने एक बार अपने सारा डेटा बता दिया अपना। लिया हाँ किया। सही है। ये भैया की पैंट थोड़ी छोटी हो गई थी, तो इसके लिए इन्होंने पैंट काट दी है, बन चुकी है आज की फेमस डे कैप्री। वेरी नाइस, इज अ वेरी नाइस फैशन। वैसे कितना माड़ी लग गंदी है बंदे दी। फैशन इज वेरी अच्छा, शर्ट इज वेरी ऑसम इन अ वेरी क्यूट पर्सन। झग योगी ने गिफ्ट किया। योगी आंदा मैं तैनूं जिंदगी च कुछ नहीं। वैसे गल पक्की आ, यार मन शीशी विच भैन च वाकई ओह पांदे आ कोबरा दा सेंट। सही कहंदे मिलो जी। ओए ओह ते सुन यार, ओह भैन च ओह दा पड़ो च नारियल तेल निकलिया। कसम दे नाल यार, ऐदा नहीं हुंदा यार। आ जराबा मेरा वीर, इना जराबा इधर रख, इधर रख। की आ मैं तेरे बूट नहीं पाने। मैं नहीं छड़े आ, मैं अपने वो ब्लैक पाऊंगा। क्या करते हुए जस्सी भाजी, तुम की करते हो? सेकंड डे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम घूमने जाएंगे, सारी वाटर एक्टिविटीज करेंगे, बीच पे जाएंगे। अब हम पहले अपने रिसेप्शन पे स्कूटीज का पता कर रहे हैं कि स्कूटी चलो हायर कर ही लेते हैं, लेकिन कल रात का जो हुआ था मन तो नहीं कर रहा था, बट लेकिन स्कूटी से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। लॉबी एरिया बड़ी गल कोई नहीं, पता नहीं क्या चल रहा यार। Electricity box? Oh, 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 Sam, nice. Sam, give me. Toba. Toba? Toba, nahi Toba. Haan, haan. Kehnde Fortune chabi. Oh, khadi khadi Fortune. Chalo. Eh, jo truck hai kala. Haan, oh, kitho jana hai. Yaar, color bada pyara hai yaar. Jo matte. Hai? मैट ब्लैक कलर बंप गड्डी। सो सेकंड डे स्टार्ट, सिल्वर वाली करा लेंगे। ओ यो बेटे है ओए चलो चलो ग्रीन है। हेलो व्हाट्सअप
सो हमारे होटल के बाहर हमें मिल गया है रेंटल बाइक वाला, और आज हम बाइक रेंट पे करेंगे। ये स्कूटी जो है ये मिलेंगी हमें 100 में, और अगर हमने बाइक लेनी है लाइक बुलेट एंड यामा तो ये मिलेगी 150 रुपये में 24 आवर्स के लिए, यानी कि 1.5 लाख रुपये में मिलेगी हमें ये अपनी बाइक नई करेंसी, और 100 में मिलेगी आपकी स्कूटी। 1.5 लीटर इसका पेट्रोल होता है इसके बीच में, और बाकी पेट्रोल हमें और डलवाना पड़ेगा। 1000 का पेट्रोल है 1 लीटर, और ऑन एवरेज इसकी 20 किलोमीटर की रहती है। तो हमने ये हायर करनी है, ये वाली और एक ये वाली। और मेरे को सिर्फ 70-80 रुपया रह गया जी चेंज कराना था। यहाँ पर उन्होंने पूरा सेट कर दिया मीटर, अब आता उन्होंने VR रहा 2 लीटर हमारा तेल उन्होंने ओपन पूरा कर दिया है। अरे टंकी भर गई, अरे हमारी टंकी एडी ने 2 लीटर की टंकी है। हर इंच छोटे छोटे पंप है जो मैंने आपको कल का लास्ट वीडियो में लास्ट ब्लॉग में ही बताया था आपको, 2 लीटर लगवाया हमने 20,000 रुपये का। कितनी क्षति पै गया देखो, मिनटा चाहे 2 लीटर पेट्रोल पाता यार। साढ़े नोजल सीधी होंगी उन्होंने, तो छोटा जहा ग्रोसरी स्टोर तो ही है। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हम यहाँ पर एक्सचेंज करा रहे हैं, आप देख सकते हैं रेट न्यूजीलैंड डॉलर अगर आपके पास है, USD है तो यानी कि इनका 13 है, USD का कैट का अगर आपके पास है तो 10 है, यानी कि 10 लाख हो गया। जैसे हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर थे 350 तो 350 का हमें मिला है 31 लाख रुपया, यानी कि यहाँ का 31 लाख। गिनने का तरीका देखिए मैम का, 3.5 लाख रुपया अपन मिल गया। हमें मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं वो भी इंडियन ही हैं, और हमने यहाँ से लिए हैं 4 बीयर हैं और दाल फ्राई ऑर्डर की है, दाल मखनी ऑर्डर की हुई है, और शाही पनीर ऑर्डर किया, रायता, तो यानी कि टोटल इंडियन फूड्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर चाइनीज़ और इंडियन दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोपहर के इस टाइम 2 बज रहे हैं, तो हमने सोचा चलो यहाँ से लंच करके फिर आगे निकलते हैं। तो वो देखो है? लड़कियों ने यहाँ पर सूट पहन रखा है, यानी कि वेटर है यहाँ पर ही ऑर्डर लेते हैं, तो उन्होंने सूट पहना हुआ है। ये देखिए सो हम आ गए हैं यहाँ पर आया बायू सूता वाटर स्पॉट पर। यहाँ पर कुछ भी करना हो, डाइविंग वगैरह, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, ठीक है, वाटर एक्टिविटीज़, क्रूज़, कुछ भी करना है यहाँ पर आके आप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सामने वो बीच है, और यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर देनी है, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पर वाटर स्पॉट पर आ जाओ बायो सूता में, और यहाँ पर एक्टिविटी आके कर सकते हो। तो अब हम अंदर जाके एक्टिविटी करेंगे, तो करते हैं फिर अपना वाटर का एंजॉय। तो हम आ गए हैं यहाँ पर बीच पर, आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ बाली के बीच का, ब्लू पानी, जिसके लिए बाली प्रसिद्ध है, फेमस है कि ब्लू पानी है इसका। ये देखिए आप, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, जहाँ पर स्कूटी खड़ोगे तो वही आप कहते हैं कि हमसे ही हायर कर लो, अगर आपने जेट स्की वगैरह कुछ करनी है, कोई बोटिंग वगैरह करनी है, क्रूज़ करना है, बनाना राइड करनी है, फिश राइडिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है, कुछ भी करना है, जैसे कि बनाना राइड है वो फिश राइडिंग है, ठीक है, तो सारे रेट अलग अलग है। ये देखो बाय बोट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, तो इनसे ही आपको बुक करवाना पड़ेगा, मतलब वो भी उस चीज़ का एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनकी मनमर्जी मोनोपोली है, वो जर्सी वगैरह है, तो पूरा व्यू देख सकते हैं आप। तो भैया को हमने फाइन पटा लिया, डेबिट कार्ड है, आहो विच वन पे, वीजा कार्ड, ओके कम ऑन, नोट दे दीजा, नोट दे दो जा भाई, ओके कम ऑन, पगड़ी उठ, सामने पटा लिया भैया को,
और भैया ने हमसे मांगे थे स्काई डाइविंग के और अपना अंडर वाटर के, और थे उसी टांग दो अंडर वाटर डाइविंग के, इनसे हम मांगे थे 1500 यानी कि 1,500,000 रुपये। अब भैया को हमने बताया 900 में, तो यानी कि आप बार्गेनिंग कर लेना, बार्गेनिंग में कोई चक्कर वाली बात नहीं है, अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो बड़ा औखा हो जाएगा, फिर बार्गेनिंग जरूर कर लेना। देखो भी जा रहा हूँ भैया के पास में। First we do only diving. Not flyboard. पेमेंट कर दिया तो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आपको रेट के हिसाब से बात करूँ तो 5,000 रुपये में हमें यहाँ पर आपकी दो एक्टिविटीज़ मिल गई हैं, जो कि दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव है। दुबई में यही दो एक्टिविटी हमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 40,000 रुपये मिलती हैं, यहाँ पर हमें एक्टिविटी मिल गई है सिर्फ 5,000 रुपये में, अंडर वाटर यानी कि डाइविंग जो है वो, और प्लस अपनी एक फ्लाई डाइविंग। दो डाइविंग हमें 5,000 रुपये पर हेड में मिल गई हैं, अप्रोक्सीमेटली वही 5,500 रुपये आसपास टैक्स लगा के हमें पड़ेगा। तो दो एक्टिविटी अगर 5,500 मिल रही हैं तो इज इट इनफ, ठीक है। और यही एक्टिविटी अगर आप दुबई में करेंगे या गोवा में करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अंडर वाटर डाइविंग के लिए भैया ने हमारे 4 सिलेंडर रेडी कर दिए हैं। ओके, ये हमने ट्राई कर लिए हैं अपने शू, भैया ने कर ली, क्या चली है ऑक्सीजन है भाई, प्रॉपर देखिए चेक कर लेना। ओके, तो समझ नहीं आ रहा क्या किया यहाँ सब, हमने कॉस्ट्यूम वेयर करना है, हमने कॉस्ट्यूम वेयर करके डाइविंग पे जाएंगे। हां रेडी यानी जो बीतन दी होनी ना, एक ज्ञानी हो गया तैयार, फिर कोई चक मजा ज्ञानी तो करता होती। सो हम जा रहे हैं हमारे दो बंदे हैं, दो भाई हैं, पंगू ते अपना रणवीर, दोनों आ गए हैं डाइविंग करके। बढ़िया, मैं तो वॉकिंग वाली की थी जड़ी तुम्हें रिकमेंड कर रहे हो। हां अच्छा, बड़ा सिराफ है, मजा आ गया ना। अरे वॉक है कहंदे जड़ी अपने यहां डाइविंग या बहुत ही अल्टीमेट है, मजा आ गया। बोट ते लेके जांदे या इस बोट ते लेके जाओगे तो फेक कराओगे, मजा आना अल्टीमेट। मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। राणा जी मुझे माफ करना। चलो चलो खेलते खेलते। शाबाश, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। I'm
भाई लुट गए, दो कच्छे लिए थे और भाई दो कच्छे नो थैंक यू, दो कच्छे पे हैं जो 2 लाख जो पाया, 1 लाख का कच्छा। वन मोर नोट शो, आ देखो ये 2 नोट दे दिए 2 लाख रुपए के, 2 कच्छे वेलकम। अब हमने ये कंप्लीट कर दिया है बीच वाला सेशन जो है बीच का, तो हमने की एक अपनी वाटर डाइविंग और स्काई डाइविंग, 2 हमने डाइविंग की है और बनाना राइड किया हमने एक, तो हमने 3 राइड किए हैं। लंच इन्होंने हमें फ्री दिया था और वो हमने लंच भी किया, सी फूड था, अच्छा फूड था इनका। तो हमारा ये बीच का सेशन जो था वो पूरा हो चुका है, अब हम नाइट के लिए चलेंगे, नाइट क्लब कोई देखते हैं, कोई अच्छा सा क्लब हमें मिले। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर बीच बहुत अच्छा है और एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई एंड सिंगापुर, तो बेस्ट प्लेस है। आगे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको भी बनाता हूँ, खाता हूँ और चलते हैं अपनी तरफ। तो निकल रहे हैं, बताओ फन कर रहे थे सब लोग, एंजॉय कर रहे थे, पर एंजॉय नहीं कर रहे थे, थोड़ा फंसा भी रहे थे। सो हम आ गए यहाँ पर, यहाँ की बाली की लोकल मार्केट, बीच से बाहर निकलेंगे तो लोकल मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पर आप सामान ले सकते हैं, कुछ भी लेडीज़ का सामान आप कुछ भी आपने लेना है वो आपको मिल जाएगा। सो हम स्ट्रीट फूड देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि एक बार दिल्ली वाला मज़ा जो है बाली में भी ले लें, तो हमने यहाँ पर ढूंढा है स्ट्रीट फूड, ठीक है। तो सारी लैंड डेवी टू, और यहाँ पर प्रॉन्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, लॉबस्टर नहीं है, लॉबस्टर खाने की इच्छा हो रही थी तो हमने प्रॉन्स ऑर्डर किए हैं और हमने फ़िश ऑर्डर की हुई है, और देखते हैं कैसा बनता है। भैया बना रहे हैं और बहुत अच्छा, देखो कितने साफ़ सफाई भी है, भैया के पीछे शॉप है सामने ये, यहाँ पर भी आप बैठ के पी सकते हैं, और यहाँ पर भैया ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमारे सामने बनाएंगे, और ये देखिए भैया ने डाल दिया, ये चले गया है, और आप यहाँ बैठ के ये छोटा टेबल लगा रखे हैं, देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के हम पी भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर किसी ने ड्रिंक करनी है तो यहाँ पर कर सकता है लिटिल लिटिल। और सामने बियर की बोतलें भी टंगी हुई हैं, वो देखो जो इनकी फ्लेक्सी है वो बियर की बोतल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। ये देखिए हमारी फ़िश रेडी हो गई है, भैया ने पूरी फ़िश तल दी है इसमें, देखिए भैया ने फिश तल रहे हैं, फिश तल के भैया इसको उठा के सीधा इस प्लेट में रख देंगे, और प्लेट कितने अच्छे से डेकोरेट की हुई है, देखो 2 चिल्ली हैं, सॉस और पत्ता गोभी, और अपने साथ में खीर रखे हुए हैं, ये कितने अच्छे से डेकोरेट, कितने अच्छे से सजाया है, गुड। ये भैया ने कर दिया सर, आ जाओ शाही अंदाज के साथ खाएंगे आज हम, लाल खा के चुद गया। वाओ इतना अच्छा टेस्ट है, अमन कैसा एक्सपीरियंस आपका, तुम खा के देखिए यार एक्सपीरियंस देख देता यार, अरे हाथ ना खाओ ना यार, कंडे होने हैं यार, भी बेइज्जती कर दी यार, मेरी दिख रही है ना, अरे खाओ ओए कार्ड पूछ क्या है मेरे को, कार्ड कार्ड, ये हमने मंगाए हैं प्रॉन्स, ये गल करो क्रंची, अपने तो दो पैक ला गए अपना, कंडे नहीं। सो हमने चिकन ड्रम ऑर्डर किया था, तो चिकन ड्रम में आया है एक लेग पीस, सिर्फ एक लेग पीस, डेकोरेशन के मामले में बाली ऑसम, मिट्टी की प्लेट, चिली सॉस, खीरा, कौन सी बूटी आई डोंट नो, तोड़ ले, और देन उसके बाद में पीस, इतना अल्टीमेट है। सो फाइनली हम आ गए अपने रूम में, और सेकंड डे क्लोज, अमन वीर लेके आए कॉफ़ी, रात के बज रहे हैं 2, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बहुत प्यारी कॉफ़ी बनाई है, देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम, और हम क्लबिंग वगैरह करके और बीच पे घूम के सारे चीज़ हम एक्टिविटी करके, और फिर आज फाइनली 1:30 बजे पहुँचे हैं हम अपने रूम पर, तो आज का दिन हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, अब कल क्या एक्टिविटी करेंगे कल देखते हैं हम, हमारा रूम बिखरा हुआ, क्लीन नहीं करवाया हमने, पानी पी रहा, पीनी तुसी तो।